तो भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन में हल्क के अपीयरेंस से लेकर एमसीयू में मेफिस्टो की एंट्री तक, स्पाइडरमैन नॉयर की प्लॉट अपडेट से लेकर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की अपडेट तक और एवेंजर्स 5 की प्रॉब्लम से लेकर डीसीयू में बूस्टर गोल्ड की कास्टिंग तक काफी सारी अमेजिंग अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइट एंड दिस इज कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 21। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई इस वीक हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के रिगार्डिंग दो मेजर अपडेट्स सुनने को मिल रही हैं, जहां पे अगर पहली अपडेट की बात करें तो एक र्यूमर के अकॉर्डिंग हमें फिल्म में हल्क वर्सेस वुल्वरीन वाला एक सिनेरियो टेक प्लेस करता हुआ दिखेगा, जहां पे अगर कुछ लीक्स की माने तो फिल्म में डेडपूल डिफरेंट यूनिवर्सेस में जाकर वुल्वरीन के एक ऐसे वेरिएंट की खोज कर रहा होगा जो उसके मिशन में उसकी हेल्प कर सके, और इसी प्रोसेस में वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचेगा जहां पे हल्क और वुल्वरीन एक दूसरे से लड़ने को तैयार होंगे। हालांकि ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हल्क डेडपूल को उठाकर सेम उसी पोर्टल में वापस फेंक देगा जिससे डेडपूल इस यूनिवर्स में आया था। साथ ही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये वुल्वरीन का वेरिएंट ह्यू जैकमैन वाला वेरिएंट ना होकर हेनरी कैविल वाला वेरिएंट होगा। पैसा ही पैसा होगा। खैर, इसके बाद अगर दूसरी अपडेट की बात करें तो केविन फाइगी ने एंटरटेनमेंट वीकली नाम के मीडिया पोर्टल से बात करते हुए बताया कि एक्समैन का ऑफिशियल डेब्यू एमसीयू में डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी से ही होगा। ऑल्दो एक्समैन की डेडिकेटेड मूवी के लिए हमें एमसीयू के फेज 7 तक का वेट करना पड़ सकता है। अब भाई जहां एक तरफ फैंस सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एवेंजर्स 5 की कास्ट से लेकर नए कैंग और इसके नए टाइटल के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एवेंजर्स 5 के रिगार्डिंग हमें इस वीक कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सुनने को मिल रही हैं कि एवेंजर्स 5 के स्क्रिप्ट राइटर माइकल वाल्डरन अब इस फिल्म का पार्ट नहीं होंगे। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो काफी हाई चांसेस हैं कि मार्वल स्टूडियोज एक पूरी तरह से नई स्क्रिप्ट के बजाय माइकल वाल्डरन की लिखी हुई स्क्रिप्ट के टेम्पलेट पे ही बेस्ड एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक नए राइटर को हायर करे, जिसे नेक्स्ट ईयर इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले काफी लिमिटेड टाइम में अपने काम को खत्म करना पड़ेगा। अब भाई सैन डिएगो कॉमिक कॉन की बात चली ही है तो मैं आपको बता दूं कि इसी सैन डिएगो कॉमिक कॉन के रिगार्डिंग रिसेंटली केविन फाइगी ने यह कंफर्म किया कि मार्वल स्टूडियोज इस साल दो हॉल एच पैनल इवेंट्स करेगा, जहां पहले 25 जुलाई को वो लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन से रिलेटेड इवेंट में ह्यू जैकमैन, रियान रेनॉल्ड्स और शॉन लेवाई के साथ प्रेजेंट होंगे, तो वहीं 27 जुलाई को होने वाले हॉल एच इवेंट में मार्वल स्टूडियोज अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेगा, जहां पे हमें एवेंजर्स 5 के साथ साथ होपफुली थॉर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और वर्ल्ड वॉर हल्क जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट सुनने को भी मिल सकती है। अब भाई लास्ट वीक जब से मार्वल वालों ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर रिलीज किया है, तभी से काफी सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि आखिरकार मार्वल वालों ने ये टीजर इतनी जल्दी रिलीज किया क्यों। तो भाई इसी रिगार्डिंग इस वीक कुछ मीडिया हाउसेस ने ये बताया कि इस टीजर के इतनी जल्दी रिलीज होने के पीछे एकमात्र रीजन ये है कि मार्वल इस टीजर को डेडपूल एंड वुल्वरीन के शोज के साथ थिएटर्स में रन करना चाहता है। बात तो सही है। खैर, ऑन द अदर हैंड अगर टीजर की बात करें तो रिसेंटली जियान कार्लो एस्पोसिटो ने इस वीक एक इंटरव्यू में ये क्लेम किया कि जितने भी लोगों ने टीजर ब्रेकडाउन में उनके रोल को गेस करने की कोशिश की है वो सभी के सभी गलत हैं, और उनके अकॉर्डिंग उनका रोल इस फिल्म में ऐसा है जिसे लोग शायद कभी गेस कर भी ना पाएं। साथ ही ऑन द अदर हैंड फिल्म में सेब्रा नाम के कैरेक्टर की इजरायली ओरिजिन को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके रिगार्डिंग भी कुछ मीडिया पोर्टल्स ने इस वीक ये रिपोर्ट किया कि मार्वल स्टूडियोज ने इस कैरेक्टर के ओरिजिन को पूरी तरह से चेंज करके उसे इस फिल्म में एक एक्स ब्लैक विडो के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन स्टिल अभी इस फिल्म की रिलीज में ऑलमोस्ट 7 महीने से ज्यादा का टाइम बचा है, सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि हमें इस फिल्म के रिगार्डिंग इन फ्यूचर और भी कई सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स सुनने को मिलेंगी। तो भाई एवेंजर्स एंड गेम के बाद से ही मार्वल फैंस इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि टोनी स्टार्क की डेथ के बाद एवेंजर्स टावर का ओनर कौन है। तो भाई इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग रिसेंटली हमें कुछ ऐसी रूमर्स सुनने को मिल रही हैं कि 2025 में रिलीज होने वाली आयरन हार्ट की सीरीज में मेफिस्टो अपने ह्यूमन फॉर्म में रीरी विलियम्स के आयरन हार्ट को ये बात रिवील करेगा कि उसने ही टोनी स्टार्क के एवेंजर्स टावर को खरीदा है। साथ ही रूमर्स के अकॉर्डिंग इस पूरी सीरीज में हमें मेफिस्टो कई सारे अलग अलग फॉर्म्स चेंज करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन भाई अगेन, क्योंकि ये रूमर मेफिस्टो के रिगार्डिंग है तो प्लीज टेक दिस न्यूज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि भाई वैसे भी मार्वल आज तक मेफिस्टो का हिंट देकर बस हमारा काट ही रहा है। तो भाई रिसेंटली निकोलस केज की नई स्पाइडरमैन नॉयर वेब सीरीज के प्लॉट के रिगार्डिंग हमें कुछ ऐसी अपडेट्स सुनने को मिल रही हैं कि इस सीरीज की स्टोरी हमें 1930s के टाइमलाइन में टेक प्लेस करती हुई दिखेगी, जहां पे निकोलस केज हमें बेन रायली एके स्पाइडरमैन नॉयर के रोल में देखने को मिलेंगे, जो कि इस पूरे यूनिवर्स का लास्ट सुपर हीरो होगा। साथ ही इस सीरीज में हमें बेन रायली का एजेड वर्जन देखने को मिलेगा, जो कि न्यूयॉर्क का एक अनसक्सेसफुल प्राइवेट डिटेक्टिव होगा।
हालांकि इसके साथ ही कई दूसरी रिपोर्ट्स की माने तो हमें इस सीरीज में स्पाइडरमैन का विलेन सैंडमैन भी देखने को मिलेगा। ऑल्दो सैंडमैन का इस सीरीज में कितना बड़ा रोल होने वाला है उसके रिगार्डिंग एट प्रेजेंट कोई भी अपडेट्स नहीं है। अब भाई अगर बात करें जेम्स गन के DCU की तो उसके रिगार्डिंग इस वीक हमें एक नई कास्टिंग अपडेट सुनने को मिल रही है, जिसके अकॉर्डिंग इटर्नल्स मूवी में किंगो का रोल प्ले करने वाले कुमैल नांजियानी को DC स्टूडियोज ने बूस्टर गोल्ड के रोल में कास्ट कर लिया है, जो कि DC कॉमिक्स में फ्यूचर से आया हुआ एक ऐसा सुपर हीरो होता है जो कि अपने फ्यूचर नॉलेज और टेक्नोलॉजी के दम पर पब्लिक में हीरोगिरी वाली एक्टिविटीज को परफॉर्म करके काफी ज्यादा शो ऑफ करता है। हालांकि इससे पहले इस रोल के लिए क्रिस प्रैट का नाम सर्कुलेशन में था, जो कि जेम्स गन के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। पर स्टिल, क्योंकि अभी तक इस न्यूज को डीसी स्टूडियोज या फिर जेम्स गन ने कंफर्म नहीं किया है, तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर इट। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके ओके बाय। ओके बाय। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवी से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।